बड़ी से धूमधाम से मनाई गई पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती। कार्यक्रम में नहीं आने वाले कार्मिकों पर डीएम हुए नाराज, किया जवाब तलब। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती के अवसर पर आज जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी व जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में माल्यार्पण कर पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने विश्वविद्यालय में कार्मिकों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित कार्मिकों का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने संबोधित करते हुए कहा कि गोविंद बल्लभ पंत के जीवन में सभी को सीख लेनी चाहिए। वर्तमान समाज में उच्च आदर्श युक्त संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों को अच्छे संस्कार दें जिससे वे भविष्य में अच्छा कार्य करेंगे। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने कहा कि भारत रत्न पंत जी ने हिंदू कोड बिल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे महिला वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त हुए। उनका योगदान न केवल भारत को स्वतंत्र दिलाने में है बल्कि आजादी के बाद भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में भी थी। भारत रत्न से सम्मानित गोविंद वल्लभ पंत जी का जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे जनपद में उनकी मूर्ति स्थल पर उनको माल्यार्पण किया गया है और पुष्पांजलि अर्पित की गई है और देश के इस महान विभूति को नमन किया गया है। आज के कार्यक्रम में जनपद के अधिकारीगण और कॉलेज के प्रतिनिधि के रूप में वहां के कुछ प्राचार्यगण वो उपस्थित हैं और माननीय विधायक जी के हाथों से भी इसमें माल्यार्पण किया गया है। मैं गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके आदर्श पर आगे बढ़ने का अनुरोध करता हूं। उनके द्वारा देश में विभिन्न प्रकार के योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। वो देश के गृह मंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होने का भी मान उनको मिला। उनके कार्यों को हम लोग आदर्श के रूप में अगर अपनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा राज्य काफ़ी आगे बढ़ सकता है। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। खबर भारत वर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।